विश्व का एक ऐसा खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिसने अपनी प्रतिभा के जरिए दुनिया भर में नाम कमाया। इन दिनों भले ही वो फॉर्म में नहीं है लेकिन उनका जलवा आज भी बरकरार है। रोनाल्डो का व्यक्तित्व तो ऐसा है कि उनके चलते कहीं का कानून बदला तो किसी कंपनी के शेयर ही डाउन हो गए। एक बार तो रोनाल्डो ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लाखों फॉलोअर्स ही डाउन करा दिए। बहरहाल आज उनकी चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि रोनाल्डो के चलते सऊदी अरब में एक बदलाव देखा गया। पहले आपको बता दें कि सऊदी अरब एक सख्त इस्लामिक देश है जहां के कानून सबसे ज्यादा कठोर माने जाते हैं। पूरी दुनिया में वहां के सख्त कानून की चर्चा होती है लेकिन रोनाल्डो के चलते अब सऊदी अरब ने अपने कानून में अपवाद का विकल्प लाया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल सऊदी अरब के क्लब अल नस्र ने रोनाल्डो के साथ एक डील साइन किया। यह डील 2025 तक के लिए लागू रहेगा। क्लब इसके बदले रोनाल्डो को 1700 करोड़ रुपए की सैलरी भी देगा। इसके अलावा रोनाल्डो को एक शानदार महल भी दिया गया है जिसमें स्विमिंग पूल और हॉर्स राइडिंग के लिए काफी जगह है। लेकिन एक दिक्कत रोनाल्डो के साथ सामने आ रही थी और वो थी कि रोनाल्डो शादीशुदा नहीं है जिसके चलते उन्हें किसी महिला के साथ रहना अलाउड नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि सऊदी अरब का कानून ये कहता है कि अविवाहित महिला और पुरुष एक साथ नहीं रह सकते। अब इसी कानून में सऊदी अरब सरकार की ओर से अपवाद यानी कि एक्सेप्शन लाया गया है और रोनाल्डो को इस कानून में छूट दी गई है। अब रोनाल्डो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ महल में मौज उड़ा सकते हैं।